Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जनाब सामने चिकनगुनिया ये भी एक बीमारी है जो पहले जमाने में फाइलेरिया कहलाती थी और इसके सिम्टम्स वही हैं जो पहले फाइलेरिया के होते थे, फाइलेरियल फीवर, वो तो अब नहीं, अब नया नाम दे दिया गया है। तो सिर्फ पहली बात चिकनगुनिया में होता ये कि बुखार आता है, बुखार के साथ शरीर जिस्म में दर्द पैदा हो जाता और ये दर्द जोड़ों को खास तौर से पकड़ता है। जब दो जोड़ों में दर्द शदीद हो जाए तो लोग मुख्तलिफ अपना कैसी भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है पहले बुखारी उतारने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ बुखार उतार लिया जाए तो इस मत से छुटकारा नहीं होता। इसके साथ साथ उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चिकनगुनिया किस सबब से इसको हुआ है। तो वो तो मालिक का काम है, मालिक देखता है और वो समझ लेता है कि भाई चिकनगुनिया है। लेकिन बुखार के सिम्टम्स इसमें भी वही होते हैं जो डेंगू में होते हैं कि एकदम से बुखार आता, सर्दी लग के आता, जिसमें में दर्द भी होता, ठीक है। लेकिन ये डेंगू का बुखार जो है दवा देते ही अपने तरतीब में कम होना शुरू हो जाता है, और चिकनगुनिया का बुखार जो है वो उतरता तो है लेकिन साथ साथ जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द से मुराद है जोड़ों में शदीद दर्द छोड़ जाता है। अब ये बुखार उतरने के बाद भी देखा गया है कि काफ़ी अरसे तक ये कायम रहता है और जोड़ों को पकड़े रखता है। मालूम हुआ कि गठिए का इलाज शुरू कर दिया जाता है, कभी यूरिक एसिड का इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल ये होता है चिकनगुनिया की वजह से। इसी के जरासीम इतने कवी हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं जैसे मैं कि जॉइंट को वो पकड़ लेते हैं। बसा औकात तो चलना फिरना मुहाल हो जाता है लोगों का, और ये कोई आज की चीज़ नहीं है। ये 30 बरस पहले, 25 साल पहले भी हुआ करता था लोगों को, लेकिन इसमें हुआ करते थे मोशन भी हो जाते थे तो बस जॉइंट को फौरन ये पकड़ लेता था। लेकिन अब मोशन तो सिम्टम्स में बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बुखार के साथ उल्टियाँ भी होती हैं, लेकिन जिस्म का दर्द किसी हाल में सुकून नहीं लेने देता। तो इसमें दवाई कोई एक फौरन फर्स्ट एड वाली बताना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिम्टम्स जो अलामात की बुनियाद पर दवा तजवीज़ होती है। तो हमारे होम्योपैथी में इसकी बीसियों दवाएं हैं जो मुख्तलिफ अवकात में कैफियत सुन के या फिर उसी रेमेडी के अतबार से उसको जोड़ के देना होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई मुश्किल नहीं होता और लोग शफायाब हो जाते हैं, बल्कि कई कई साल दर्द झेलने के बाद भी आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, उसमें दुश्वारी नहीं होती। लेकिन फर्स्ट एड में कोई दवा तो ज़रूरी है, तो हमारी बराइनिया 30 में ले लिया जाए तो इससे शिद्दत नहीं आने पाती या मर्द बढ़ने नहीं पाता, कंट्रोल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मुआलिज से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, मालिक इसको सही तरीके से करे और समझे। तो इन सब चीज़ों के लिए मरीज का सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मरीज से सामने के लिए तो मरीज का ही होना होगा, लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए, एहतियात सबसे बेहतरीन चीज़ है। गर्मी में इधर उधर घूमने से परहेज करें, नहायत शदीद ज़रूरत है तो जाएं। अभी आजकल इसमें मुबतला ज़्यादा वो लोग हो रहे हैं जैसे ठेले वाले हैं जो गलियों में ठेले लगा रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, बेचारे आवाज़ें दे रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को ज़्यादा ये होता है, तो उनको भी मेरा मशवरा है कि भाई पानी का इस्तेमाल भरपूर रखो और कोशिश करो कि जहाँ भी मौका मिले थोड़ी देर बैठ कर सुस्ता लो और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाओ। रिस्क कमाने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है ना, तो वो मेहनत तो आपने करनी है, ठीक है।
चिकनगुनिया के हवाले से बस ऐसे नहीं, फिलहाल अगर कोई सवाल किसी के जहन में आता है तो वो मुझे भेजें, लिख भेजें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पर कर दें, किसी तरह भी करें, इंशाल्लाह मैं उनकी कोशिश करूंगा कि उनको मुतमईन कर पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आपका अल्लाह निगहबान हो, और मेरे लिए भी दुआएं करें, और मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो इंशाल्लाह आसानी हासिल हो हम दोनों को।